सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेल्ट ब्लाउज के बारे में कुछ खास चीजें सिखाने वाली हूँ। जैसे कई लोगों की कमेंट है कि उनके ब्लाउज का बेल्ट ऊपर की साइड को जाता है और कई लोगों का कहना है कि प्लेटें सही से नहीं बनती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, जिस कारण उनकी ब्लाउज की फिटिंग बिगड़ जाती है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये प्रॉब्लमें क्यों आती हैं और कैसे आपको इनको ठीक करना है। तो जैसे अभी आप ब्लाउज बनाना सीख रहे हैं तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है, फिर आपका ब्लाउज अच्छे से बनने लगेगा। तो इस वीडियो में मैं आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, फिर आपका ब्लाउज बिल्कुल सही बनने लगेगा और कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ब्लाउज के आगे के पार्ट के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है और इसको आपको डबल में रखना है। डबल में कपड़ा को रखने के बाद अब आपको सबसे पहले तुरपाई मार्जिन लेना है, तो यहाँ पे निशान लगा लीजिए 1.5 इंच के हिसाब से और इस मार्जिन को सीधा कर दीजिए, इस निशान को सीधा कर दीजिए। तो ये मार्जिन हुआ तुरपाई के लिए। अब उसके बाद अब आपको लंबाई का निशान लगाना है, जितने साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उस लंबाई का आपको निशान लगाना है और उधर भी आपको 1.5 इंच का मार्जिन मिलाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि 1 इंच का मार्जिन यूज होता है बेल्ट के लिए और 1/2 इंच का मार्जिन यूज होता है ऊपर के लिए। तो इसमें आपको 1.5 इंच का मार्जिन मिलाना है, तो ये निशान अब आएगा 14 से 15.5 इंच पर। इस निशान को सीधा करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूरे ब्लाउज में मार्जिन कितना लेना है। तो इसमें पूरा टोटल मार्जिन 3 इंच का हमने ले लिया है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि तुरपाई मार्जिन को छोड़ने के बाद यहाँ पे आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, तभी आपकी लंबाई सही रहेगी। अगर आपने यहाँ पे मार्जिन कम लिया तो आपके ब्लाउज की लंबाई कम पड़ जाएगी। तो अब आप अच्छे से समझ लीजिए कि 1 इंच का मार्जिन आपका बेल्ट में यूज होगा और 1/2 इंच का मार्जिन आपका ऊपर की साइड यूज होगा। तो इस तरह आपको पूरा मार्जिन 3 इंच रखना है। अब आपको यहाँ पे हाई और हुक के लिए 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ना है और यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मार्जिन ज्यादा यूज करते हैं तो आप यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रखिए, क्योंकि जितना मार्जिन लेंगे उतना ही आपको सिलाई में यूज करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे गले का निशान लगाना है। अब निशान लगाना है आपको गले की साइज का, तो गले की साइज रख रहे हैं इसकी 2.5 इंच, तो ये 2.75 में तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से लंबाई का निशान लगाना है, तो इस तरह इसकी लंबाई ले ली है 6.5 इंच। आप कम भी ले सकते हैं और ज्यादा लेना चाहें तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं, तो साइज के हिसाब से इसको कम या ज्यादा रखा जाता है। तो 2.5 इंच इधर रखेंगे। अब इन निशानों को सीधा करना है और इसको गोल कर देते हैं। तो अब निशान लगाना है आपको शोल्डर का, तो शोल्डर है इसका 11 इंच, तो उसका निशान लगाएंगे हम 5.5 इंच पर। तो ये हो गया शोल्डर का और ये हो गया मार्जिन का। तो आप जिस साइज का बना रहे हैं जितना भी आपका शोल्डर आता है उसका आपको हाफ रखना है और निशान लगा देना है। अब यहाँ पे आर्म होल की लंबाई रखना है 6 इंच 2 पॉइंट। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप छोटी साइज का बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आर्म होल आएगा। मैं आपको अभी समझा देती हूँ। तो इस निशान को सीधा करना है। अब इधर से ही आपको निशान लगाना है जितने साइज का ब्लाउज बना रहे हैं। जैसे आप 36 का बना रहे हैं तो उसका चौथाई भाग रखिए और मैं इसको 38 का बना रही हूं तो उसका चौथाई भाग लेंगे यहाँ पे 9.5 इंच। 9.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब इस निशान को सीधा करना है। अब आप आगे ड्रेस बनाना सीख सकते हैं और ये जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं वो अब आपको आगे ड्रेस बनाने में सारी काम आएंगी। और यदि अब आप आगे ड्रेस बनाना सीखना चाहते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के ब्लाउज बनाना, सूट बनाना, सलवार बनाना, पैजामी बनाना और प्लाजो बनाना, बहुत सारी ड्रेसें आप सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा सिलाई का कोर्स करना होगा, जिससे आपका पूरा कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा और आप अच्छे से सिलाई सीख जाएंगे। अच्छे से सिलाई सीखने के लिए आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप पर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपकी पूरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो 3 महीने में आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप एक सिलाई एक्सपर्ट बन जाएंगे।
और जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जिससे आप सिलाई से जुड़ा कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप जल्दी से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास ज्वाइन आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। जैसे आपको प्ले स्टोर दिखेगा उसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे सर्च करना है और लिखना है राधिका ट्यूटोरियल्स। जैसे ही आप राधिका ट्यूटोरियल्स लिख देंगे और ऐप आपको सामने दिख जाएगा। अभी डाउनलोड हो गया है, अब आप इसको खोल लीजिए। ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है। तो देखिए आपका ऐप खुल गया है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सीखना शुरू करना है। अपने लिए बहुत अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे। तो जल्दी से राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसी पर आपकी क्लास चलेगी। अब इधर भी आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो इसी लाइन से 1.5 इंच का मार्जिन आगे की साइड ले लीजिए और इस निशान को सीधा कर दीजिए। उसके बाद अब आपको यहाँ पे आर्म होल में गुलाई देना है। तो 1 इंच के हिसाब से इसमें गुलाई दे देंगे। आगे के पार्ट में हमेशा आपको 1 इंच के हिसाब से गुलाई देना है और पीछे के पार्ट में आपको 1.5 इंच के हिसाब से गुलाई देना है। तो इतना ही पीछे के पार्ट में चेंज किया जाता है। आर्म होल की गुलाई को देने के बाद अब आपको थोड़ा शोल्डर को झुकाना है। तो आर्म होल की साइड इसको झुका दीजिए, 2 पॉइंट के हिसाब से आप इस तरह तिरछा कर दीजिए। तो इस तरह झुकाने के बाद 1/2 इंच रहता है इसका मार्जिन जो यहाँ पे ज्वाइंट के लिए होता है। तो ये हो गया शोल्डर का मार्जिन। इसी निशान पर हमारी सिलाई चलेगी। उसके बाद अब आपको आर्म होल चेक करना है। अब आपको एक बार आर्म होल की गुलाई को चेक कर लेना है कि गुलाई सही है या नहीं। तो इस मार्जिन के निशान से आप चेक करिए। तो इस तरह आप चेक करते जाइए। जैसे मुझे चाहिए 16 इंच की गुलाई। तो ये हो गया 8 इंच, मतलब 16 इंच की गुलाई इसमें आ जाएगी। और ये 1/2 इंच हो गया है जिसकी यहाँ पे प्लेट बन जाएगी। तो इसी तरह आप भी चेक कीजिए। उसके बाद अब निशान लगाना है बेल्ट का। तो आपको मैं बता देती हूँ कि बेल्ट की साइज ज्यादा चौड़ी नहीं रखी जाती है। बेल्ट आपको 2 इंच या 2.25 इंच, ज्यादा हैवी के लिए बना रहे हैं तो 2.5 इंच का रखिए। बस इससे ज्यादा आप बीच में चौड़ाई मत रखिए। तो इसका निशान लगा देते हैं 2.5 इंच पर। तो ये 2 इंच में तैयार हो जाएगा, 1/2 इंच इसका मार्जिन हो जाएगा। जब आप 2.5 इंच में निशान लगाएंगे तो ये 2 इंच में तैयार हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 1 इंच आपको बेल्ट को ऊपर की साइड करना है, ठीक है, इस निशान से 1 इंच ऊपर की साइड और यहाँ पे 1/2 इंच से थोड़ा सा कम और इस मार्जिन से मिला दीजिए। बस इस तरह गुलाई देते हुए आप इधर को इस तरह ऊपर की साइड मिला दीजिए। तो इसमें बीच की साइड आपको गुलाई देना है और इधर मिला देना है। इस तरह आपको बेल्ट निकालना है। तो बेल्ट की साइज इधर तो बढ़ जाती है, इधर भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन बीच की साइड आपको इधर ज्यादा चौड़ाई नहीं रखना है। जब आप यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा कर देंगे तो इसकी लंबाई है जो ऊपर की साइड कम पड़ जाएगी। तो जैसे बेल्ट की चौड़ाई बढ़ेगी तो ये ऊपर की साइड अपने को जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इधर बेल्ट की चौड़ाई कम रखना है जिससे ये आपकी कमर की साइड फंस जाएगा और आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। अब आपको ध्यान देना है प्लेटों के लिए। तो प्लेटों का निशान लगाने का एक सरल तरीका मैं आपको बता देती हूँ, अच्छे से आप ध्यान दीजिए कि इसी मार्जिन के निशान से आपको इंची टेप गले के पास से रखना है। ये मार्जिन का जो निशान है उसी के पास हमने इंची टेप को रखा। अब यहाँ पे आपको टक्स का निशान लगा देना है। जैसे 9.5 पर आ रहा है तो आप 9.5 पर लगाइए क्योंकि मार्जिन ऊपर की साइड है। तो इसका फिक्स निशान 9.5 पे इस तरह लगा दीजिए। तो एक निशान आपको ये मिल जाएगा और इसको सीधा कर दीजिए। अब आपको दूसरी टक्स के लिए इसी निशान से इंची टेप को इस तरह तिरछा रखना है। 1.5 इंच, तो 1.5 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। बस 1.5 इंच नापना है और यहाँ पे एक निशान बना देना है। अब आप फिर यहाँ से
इंची टेप को फिर इस तरह घुमा दीजिए, तो देखिए कितना आसान है। बस आपको थोड़ा सा समझना है और 1.5 इंच पे निशान इधर लगा दीजिए। अब इस निशान को इस तरह मिला दीजिए। इस निशान से ये निशान कम से कम 1 इंच की दूरी पर हो, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब आपको चौथा निशान लगाने के लिए फिर आपको इस तरह इंची टेप को रखना है। इस निशान से इस तरह फिर इंची टेप को रख दीजिए और यहाँ पे निशान लगा दीजिए। अब इस निशान को आपको इस गुलाई से मिलाना है, तो यहाँ पे नहीं मिलाना है आपको, जहां से गुलाई खत्म होती है बस उधर मिलाना है। तो बस आपको इसी बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर आपके ब्लाउज में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब इस प्लेट का आपको कैसे पता करना है कि कितने साइज का डालना है, वो आइडिया मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिए कि जो ये 3 प्लेटें होती हैं वो आपको सिर्फ आधा आधा इंच की बनाना है। ये तीनों प्लेटें आपकी आधा आधा इंच में ही बनेंगी। और ये प्लेट बनती है थोड़ी बड़ी, वो कैसे बनती है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिए कि इस प्लेट को आपको कितनी चौड़ाई से बनाना है। तो जैसे आपकी कमर का चौथा ही भाग आता है जो भी, उसका आप निशान लगा लीजिए। जैसे कमर है 32 इंच, तो अब आप ध्यान दीजिए कि इस प्लेट का निशान आपको कैसे लगाना है। तो आपका जो भी कमर का साइज आता है उसका चौथा ही भाग यहाँ पे निकाल लीजिए। जैसे इस ब्लाउज की कमर की साइज आ रही है 31 इंच, तो उसका चौथा ही भाग होगा 7.5 इंच। 7.5 इंच हमने इस निशान से रखा इंची टेप को, तो देखिए इस निशान को छोड़ दिया, पहले ही मार्जिन है तो उसको छोड़ देना है। उसके बाद 7.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाना है। ये निशान लगा दिया है हमने यहाँ पर कमर के चौथाई भाग का। अब आपको देखना है कि यहाँ पे कितना बच रहा है, तो ये बच रहा है 1.5 इंच। अभी जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा है उसकी आपको यहाँ पे प्लेट बनाना है। तो आपको भी इसी तरह बनाना है, जितनी साइज बचती है उसकी यहाँ पे प्लेट बना दीजिए। तो इस तरह ही प्लेट बन जाएगी। इस तरह आपको बेल्ट ब्लाउज के सही से निशान लगाना है, फिर आपके बेल्ट ब्लाउज में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आपका ब्लाउज अच्छे से बनने लगेगा। और अगर आप बेल्ट ब्लाउज की पूरी कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप सिलाई का पूरा कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक कंप्लीट कोर्स 3 महीने का है और ऐप के अंदर आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। अब आप जब भी ब्लाउज बनाएंगे तो इस सारी चीजों का ध्यान रखिए, जिससे आपका ब्लाउज सुंदर और परफेक्ट बन जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।